हम पढ़ेंगे पार्ट 14 आमने सामने। इस कहानी में दादाजी एक बुल्ले हैं, एक दादाजी बुल्ली है, जिन्होंने एक मैच रखा, ठीक है, दो टीमों के बीच। और उसी मैच में दोनों लोगों में आपस में कैसे मेल जोल बढ़ा, है ना, इस कहानी में बताया गया है कि उन्होंने कितनी मौज मस्ती की और कितना आपस में मिलजुल कर उन्होंने खेल खेला। तो चलिए आइए पढ़ते हैं आमने सामने, ठीक है। दादाजी एक हष्ट पुष्ट आदमी थे। कैसे थे? हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त। ये देखिए दादाजी, है ना। दादी जी साधारण लंबाई की दुबली पतली महिला थी। दादी कैसी थी? दुबली पतली, ये देखिए, है ना बच्चों। दोनों को हॉकी का खेल बहुत पसंद था, दादाजी को भी और दादी को, इसलिए उन्होंने दो टीमें बना रखी थी। उन्होंने दोनों टीमों का नाम अपनी मन पसंद मिठाइयों के नाम पर रखा। दादाजी ने लड़कियों की टीम का नाम जलेबिया और दादी जी ने लड़कों की टीम का नाम हलवे रखा। दोनों टीमें मोहल्ले के एक वीरान से पार्क में रोज हॉकी खेलती थी। क्या था? डेली वो हॉकी खेलती थी। उस पार्क में दो भाग किए गए, एक में लड़के यानी दादाजी की जलेबिया, दादी एक में लड़के यानी दादी जी की हलवे खेलते थे और दूसरे में दादाजी की लड़कियां जो थी जलेबियां, जिस टीम का नाम था वो खेलती थी। दोनों मानते थे उनकी टीम सबसे अच्छी है। दादाजी को कहते थे कि हमारी टीम अच्छी है और दादी जी अपनी टीम को अच्छा मानती थी। एक दिन दादाजी और दादी जी में इसी बात की ठंड थी। उन्होंने अपनी टीम को सबसे अच्छी साबित करने के लिए दोनों टीमों का एक मैच रख दिया। दोनों ने आपस में क्या भारत की हमारी टीम अच्छी है, दोनों का ठीक है मैच किया जाता है। आगामी रविवार को 4 बजे शाम को समय तय। जब आने वाला संडे था, रविवार था, उसमें समय फिक्स हुआ कि हम लोग शाम को 4 बजे मैच करेंगे, ठीक है। तो आज रविवार था यानी आज संडे था, वो दिन आ गया। हलवों और जलेबियों के बीच मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी। इधर दादी जी ने हलवों को कुछ नए मैथे सिखाए और उधर दादाजी ने जलेबियों को कुछ सीख दी। सबने दोनों ने अपनी अपनी टीम को सिखाया। दोनों ने अपने मित्र पड़ोसी आसपास के लोगों को इस मुकाबले को देखने और टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए भी बुला लिया कि आप आइए, दोनों टीमों का मैच देखिए, उनका उत्साह भी बढ़ाइए। उधर सीटी बजी और उधर मुकाबला शुरू हो गया। ऐसे होता है ना, मैच सीटी बजा के मैच स्टार्ट कर दिया गया। पहले दांव में ही जलेबियों ने अपना आक्रमण बनाया था। जो दादाजी की लड़कियां थी जलेबियां, उन्होंने पहले मैच में ही दबाव बना लिया और हलवों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें रोके भी रखा। यानी दोनों अपने अपने खेल में बिल्कुल परफेक्ट थे। 10 मिनट बाद पैतले और युद्ध जारी रहे, यानी आपस में एक दूसरे तक चेंज हो गए और फिर से खेलने लगे। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं करती, कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और न ही दूसरे हाफ में कोई गोल हुआ। अतिरिक्त समय का खेल चला। खेल क्या था? चलता था, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। मैच के हर रोचक क्षण के साथ साथ दोनों टीमों के समर्थक का चिल्लाना, ताली बजाना और कभी कभी चिढ़ाना जारी रहा। जैसे होता है ना, ताली बजाना, चिढ़ाना, अरे ये टीम रह गई है ना हमारी टीम की, तो ये सब जारी था। दादी जी इतना चिल्ला रही थी कि मैच के बीच में ही उनकी आवाज बैठ गई। दादाजी खेल के तनाव में अपनी मूछ के बाल खींचते रहे। दादाजी क्या था? अपनी मूछ के बाल खींचे रहे, तो अपने खेल का तनाव में हमारी टीम का क्या होगा। लड़कियों की टीम की सबसे पावर खिलाड़ी ज्योति ने पासा संभाला। तो ज्योति नाम की लड़की थी, उसने पासा संभाला, खेल को संभाला।
की टीम को चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर दाब दिया। दादाजी उछल पड़े। हलवो ने जोर शोर से बदला लेने के लिए खेल शुरू किया। डेविड ने संकेत को गेंद पास की। किसको? संकेत को, साकेत को गेंद पास की, जिससे मैदान की दाहिनी ओर से पूरी गति के साथ गेंद पास कर गेंद को गोल के भीतर पहुंचा दिया। दादी जी ने दर्शकों की तालियों के बीच संभा, डिस्को और ब्रेक डांस के कई मिले जुले के लगाए, यानी दादी जी ने कुछ डांस भी किया। अब तो मैच का रोमांच पूरी तरह से सब पर छा चुका था। खेल के आखिरी मिनट में दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिश कर रही थी। यानी होता है ना कि आपने अपनी बॉल गोल में डाल दी तो आपकी जीत होती थी, तो दोनों टीमें अपनी कोशिश करने लगी। गेंद निहाना के पास थी और छोटी वह कीर्तिका को देने के लिए आगे बढ़ी। गेंद किसके पास थी? रेहाना के पास, वो ज्योति कीर्तिका को देने के लिए आगे ऐसे बढ़ी। पीछे से अचानक एक काली सी चीज बिल्ली की तेजी से मैदान में की ओर लगी। एक बिल्ली मैदान की ओर आ गई। वह तूफान था। क्या नाम था उसका? तूफान। दादाजी का पालतू नटखट टूटा। दादाजी का पालतू नटखट टूटा। वह नाटे दल का बड़ा फुर्तीला कुत्ता था। छोटा सा कुत्ता था लेकिन बहुत ही एक्टिव था। दौड़ में पूरे मोहल्ले में उसका मुकाबला नहीं था। इतनी तेज दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे गेंद से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। वह चुपचाप किनारे पर उस सफेद गोल में चेतार मजेदार गेंद की ताक में था। क्या था उस गेंद क्यों खेल रहा था? अचानक जब उसे वह गेंद कुछ ही दूरी पर दिखी तब उसने मौका नहीं गवाया और उसे गेंद को मुंह में दबा लिया। जिसका नाम क्या था? तूफान। और मैदान के किनारे पर उकी झाड़ियों में घुस गया। वह दौड़ता रहा। शहर वाला बगीचा पार किया और सीधे अपने दोस्त आंधी के पास जाकर ही थमा। कहाँ चला गया तूफान? अपने दोस्त आंधी के पास। इस बीच हलवे और जलेबिया हॉकी की छड़ियां उठाया तूफान के पीछे खोल गए। क्या नहीं है? हॉकी और छड़ियाँ उठाए तूफान के लिए उस कुत्ते के पीछे गए। उन्होंने उसे झाड़ियों में खोजा, पेड़ों के पीछे ढूंढा, पार्क के बेंचों के नीचे देखा, कूड़ेदान के अंदर झांका और जहाँ जहाँ हो सकता था उसे हर जगह ढूंढा। पर न तूफान नहीं मिला और न ही गेंद। उन्होंने जलेबियों और जो हलवे थे टीमें थी उन्होंने उस तूफान को यानी कुत्ते को ढूंढा हर जगह पर वो कहीं भी नहीं मिला और गेंद भी नहीं मिली। अंत में सबने गेंद मिलने की आस छोड़ दी। किसी के पास एक गेंद है क्या? दादाजी ने पूछा। दादाजी ने भी पूछा कि वो गेंद तो चली गई क्या? किसी और के पास एक गेंद है? सबने से गिराकर मना कर दिया। यानी किसी के पास कोई गेंद नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर खेल का विजेता कौन रहा, खेल किसने जीता? क्योंकि दोनों क्या था? इक्वल थे। दोनों की टीमें इक्वल थी, सेम थे, है ना? मुकाबला बराबरी का रहा। दादाजी ने फैसला सुनाया। दादाजी ने क्या फैसला सुनाया? मेरे हिसाब से हलवे और जलेबिया दोनों ही बहुत बढ़िया खेला और दोनों ही जीत के हकदार है। दोनों को जीत मिलनी चाहिए। दादाजी ने हामी भरी। मैं हर खिलाड़ी को एक टी-शर्ट दूंगा, उन्होंने घोषणा की। दादाजी ने क्या घोषणा की? कि मैं हर एक खिलाड़ी जितने भी है, चाहे हलवे के हों चाहे जलेबियाँ हों, मैं सबको एक एक टी-शर्ट दूंगा और मैं भी खिलाड़ियों के लिए कुछ बढ़िया पकाकर खिलाऊंगी। दादी जी ने है ना, दादी जी क्या, मैं भी सभी को कुछ अच्छा सा पकाकर खिलाऊंगी। हम कल इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे। इसी मैदान में जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पे कल हम आएंगे और पिकनिक मनाएंगे। दादी जी ने इनाम को मजेदार बना दिया है ना कि बनाएंगे अच्छे से। इन घोषणाओं का तालियों और जोश से खूब स्वागत हुआ। आपसी मुकाबला भूलकर हलवों और जलेबियों ने एक
दूसरे का हाथों पर ताली बजाए, हाथों पर ताली बजाई, दोनों ही हंस करके बजाए, एक दूसरे के हाथ से तालियां करके बजाए। लेकिन दादाजी अगर दोनों टीमें जीती हैं तो मैन ऑफ द मैच कौन होगा? दादाजी अगर दोनों टीमें जीत गई हैं तो मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया जाए? टीमों ने जलेबी और हलवों ने पूछा। हमारे यहाँ मैन ऑफ द मैच नहीं है बल्कि मैच ऑफ मैच का चैंपियन है। दादाजी ने क्या कहा कि हमारे यहाँ मैच मैन ऑफ द मैच नहीं बल्कि मैच का चैंपियन है और वो है तेज तर्रार तूफान। और कौन है तूफान? क्योंकि वो बॉल ही लेके चला गया था। इस मुकाबले का एकदम सही अंत करने के लिए उसे मेरी तरफ से पूरे नंबर मिलेंगे। दादाजी ने कहा बस भी बस। तो आज इस कहानी को आप